दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स के बारे में तो आप काफी कुछ जानते हैं। आपको पता ही होगा कि 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड सितारे आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी बदल गए हैं और आज उनके बच्चों ने उनकी जगह ले ली है। जी हाँ, तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन्हीं कलाकारों के बारे में जो आज अपने बच्चों के साथ खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जिन्होंने फिलहाल इंडस्ट्री में अपनी एक्टिवनेस थोड़ी कम कर दी है और उनके बच्चे इंडस्ट्री में अपना नया मुकाम बना रहे हैं। नंबर 1, पूजा बेदी। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री पूजा बेदी को इंडस्ट्री में खूब ज्यादा सराहा जाता है। उनकी फिल्में काफी ज्यादा फेमस रही। आज से पहले फिट, ब्यूटीफुल और मॉडर्न ड्रेसेस में नजर आने वाली पूजा बेदी आज भी बेहद बोल्ड और ग्लैमरस है। वह आपको बता दें कि आज वो 51 साल की हो गई है और आज भी वो दमदार लुक से लोगों के दिल जीत लेती है। बात करें उनके लाइफ पार्टनर की, तो उन्होंने साल 1994 में बिजनेसमैन फरहान फर्नीचर वाला से शादी की थी और साल 2003 में उन्होंने उनसे डायवोर्स ले लिया था। पूजा बेदी के बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो पूजा बेदी की बेटी का नाम अलाया फर्नीचर वाला है, जो कि प्रोफेशन से एक मॉडल है और एक्ट्रेस है। आपको बता दें कि अलाया अक्सर अपने बोल्ड ग्लैमरस अवतार को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। इतना ही नहीं, अलाया ने फिल्म जवानी जवानी मन से इंडस्ट्री में अपना डेब्यू भी कर लिया है। वहीं बात करें पूजा बेदी के बेटे, उनके बेटे का नाम ओमकार फर्नीचर वाला है, जो इस वक्त अपनी पढ़ाई में काफी बिजी है। नंबर 2 पर दोस्तों बात करते हैं एक्ट्रेस सोनम की। बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सोनम बेहद ही बोल्ड, शॉर्ट ड्रेसेस, ब्यूटीफुल मेकअप और कर्ली हेयर में नजर आ चुके हैं। आज वो 53 साल की हो गई हैं और आज भी बेहद शानदार लगती हैं। बल उनके पार्टनर के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने 1991 में राजीव राय, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, जो कि उनसे शादी की थी और साल 2016 में उनसे डाइवोर्स ले लिया था। उनके बच्चों की बात करें तो उनके बेटे का नाम गौरव राय है, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। फिलहाल सोनम ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से और फिल्मों से दूरियां बना ली है। नंबर 3 पर बात करते हैं शिल्पा शिरोडकर की। शिल्पा शिरोडकर ने अपने चंद्रमुखी के किरदार से खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें कि फिल्म में घाघरा चोली, दो चोटी बनाए, मेकअप किए हुए नजर आई शिल्पा शिरोडकर आज काफी अलग दिखती हैं। आज वो 51 साल की हो गई हैं और फिल्मों से वो दूरी बना चुकी हैं। वह उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपरेश रंजीत, जो कि एक बैंकर है, उनसे शादी की थी साल 2000 में। उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम अनुष्का है, जो इस वक्त अपनी पढ़ाई में काफी बिजी है। नंबर 4 पर बात करते हैं ऋतु शिवपुरी की। दोस्तों, ग्लैमर गर्ल के नाम से मशहूर साल 2000 की एक्ट्रेस ऋतु शिवपुरी बेहद गॉर्जियस और यंग लगती थी और आज भी वो बेहद शानदार लगती हैं। आज वो 47 साल की हो चुकी हैं और लेकिन आज भी वो काफी मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है, कभी साड़ी पहने हुए इवेंट्स और अवार्ड फंक्शंस में नजर आती है। उनके पार्टनर के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने हरि वेंकट से शादी की है। उनके बारे में कम ही जानकारी और तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से की एक बेटा और 2 बेटियां हैं। आपको बता दें कि उनके बेटे का नाम रोहिल है और बेटी का नाम समारा और राया है। वह आपको बता दें कि उनके तीनों ही बच्चे भी काफी छोटे हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 5 पर दोस्तों बात करते हैं चंकी पांडे की। बात करें चंकी पांडे की, तो चंकी पांडे विश्वथामा फिल्म में आकाश का किरदार निभा चुके हैं, जिसमें वो बेहद हैंडसम नजर आए थे। और हाल ही में चंकी पांडे अपनी ही बेटी अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए फिल्म लाइगर में नजर आ चुके हैं। वह आपको बता दें कि चंकी पांडे की उम्र अब 60 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी वो काफी शानदार लगते हैं। अक्सर वो नॉर्मल शर्ट पैंट, कुर्ता पजामा में नजर आते हैं। उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो आज भी उनका एक्टिंग करियर चालू है। बता दें कि चंकी पांडे की 2 बेटियां हैं, रियाश्वा पांडे और अनन्या पांडे। अनन्या पांडे एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जो कि पति पत्नी और वो के जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और रियाश्वा भी पढ़ाई कर रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं। वेल, आपका इस पर क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।